आस्था पर दुनिया कायम है, लेकिन यही आस्था जब अंधविश्वास का रूप ले ले तो तबाही आ जाती है। वो अंधविश्वास जिसमें कुछ पाने की चाह में लोग तंत्र साधना का सहारा लेते हैं, जिसकी बर्बादी सामने आती है। सख्ती में भी एक परिवार ने तंत्र साधना का सहारा लिया और इस साधना ने उन्हें ऐसी चोट दी जिससे वो उबर पाए नहीं। एवं छह जी जय गुरुदेव की पूजा पाठ करत रही हैं, तो अंदर देखे ना तो दूसरा मन मूर्छित भी थे। ये वही घर है जहां तंत्र साधना चल रही थी। ये वही घर है जहां करीब 7 दिनों से तंत्र सिद्धि जारी थी। ये वही घर है जहां अंधविश्वास के चक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। ये डरावनी और खौफनाक तस्वीरें हैं सक्ती के तांडुलडीही ग्राम की, जहां तंत्र साधना के फेर में एक परिवार ऐसा पड़ा कि 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2 लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए और 2 लोग साधना के दौरान बेहोश हो गए। सक्ती जिले के बाराद्वार थाना अंतर्गत तांडुलडीही ग्राम में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास के चक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। वहीं परिवार के 4 सदस्य, 1 माता और 3 बहनें, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। आपको इस तंत्र मंत्र के खौफनाक खेल की पूरी कहानी समझाते हैं। एक परिवार जिसमें कुल 6 सदस्य थे, 2 भाई, 3 बहन और 1 माँ। करीब 7-8 दिन पहले अंधविश्वास का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले घर को बंद कर लिया गया, फिर उज्जैन के किसी गुरु की तस्वीर के साथ तंत्र साधना शुरू। बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए ये साधना चलती रही। 1 हफ्ते तक कमरे में 6 लोग साधना करते रहे। जब तब के दौरान ही 2 सगे भाइयों की अचानक हालत बिगड़ी और वो बेसुध हो गए। इतने दिनों तक घर बंद रहने के बाद पड़ोसियों को शक हुआ। कुछ लोगों ने घर के अंदर झांका तो वहां का नजारा देखकर सन्न हो गए। हम तांडुली ग्राम में खड़े हैं, जहां कल अंधविश्वास का एक मामला सामने आया। 2 सगे भाइयों की मौत हो चुकी है। जिस तरह से दरवाजा खोला, अंदर में वो लोग जय गुरुदेव चिल्ला रहे थे और उनको आभास नहीं था कि किस तरह से 2 लोग मूर्छित हो गए हैं। हमारा तो पता नहीं रहे कि वो मंजूरी रिसे में तो हमेशा कर रहे थे पूजा कर, तो इसने सोचा था कि दरवाजा लग कर दे अपने से मन खोली सकन अच्छी से ने जय गुरुदेव चार्ज गुरु दे बोला तो रिसे और मतलब सब नहीं दे तो इसका कोई बच्चे रूम। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और लोगों को अस्पताल पहुंचाया। हम सक्ती जिले के तांडुलडीही ग्राम में खड़े हैं, जहां 2 युवकों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मौके पे तस्वीरें देख सकते हैं, जहां ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है और ये जो मौका स्थल है घटना स्थल जहां 2 युवकों की मौत हुई है और साथ ही 4 जो अन्य उनके परिवार के सदस्य थे मानसिक स्थिति बिगड़ी थी। घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि आखिर में मौत का कारण क्या है। जो घर में जितने भी सामान उपस्थित हैं उनके नमूने सैंपल लिए जा रहे हैं। इस साधना ने परिवार की चाह तो पूरी नहीं की लेकिन गहरे जख्म जरूर दिए। 2 भाइयों को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 2 लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए। महिला की इस तस्वीर को देखिए, तंत्र का भूत इस पर ऐसा चढ़ा कि वो प्रवचन भी दे रही है लेकिन किसे ये नहीं पता। महिला की दिमागी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अकेले में ही प्रवचन देती रहती है। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। लोगों में एक डर बैठ गया कि आखिर पूरा परिवार इस तंत्र साधना में क्यों लीन था। एक घटना कल की घटना है। कल 2 जी लड़का यहां खत्म होगी से पूजा पाठ करते नहीं तो गांव वाला पता चली हाँ हुई तो मन कैसे फिर का नहीं खोला देगा कहीं ना तो देखे ना दे टीना छप्पल है करके तो उगर बाद में देखे ना तब बंद फिर अपन गली से उगर बाद में चिल्लाई चिल्लाई की आवाज तब जाके देखे ना तो छत लखो के ऊपर ले देखे तब जाके मन अंदर में मांग के चलत रही से अंदर गए ना तो दूजा मन मूर्छित रही से। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। पूरे घर में छानबीन की जा रही है। मौके से सारे सबूत भी उठाए गए। पुलिस का कहना है कि पूरी गंभीरता से जांच की जाएगी। घर में कुछ लोग जो है जो जोर से आवाज निकाल रहे हैं, इस आधार पर ग्रामीणों के साथ पुलिस टीम वहां तस्दीक की
तो घर में छह सदस्य थे जिसमें से दो लोग जो है बिस्तर में लेटे हुए पाए गए, तो मूर्छित थे, जिन्हें इलाज के लिए जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। हमने तत्काल मर्ग इंटीमेशन चार्ट करके मर्ग पंचनामा कार्रवाई किए थे। आज पीएम हुआ है उसमें, और पीएम के बाद जो भी हमारे पास रिपोर्ट आएगी उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और घर वालों से पूछताछ की जा रही है, मौका का निरीक्षण जो है एफएसएल की टीम और डॉक्टर्स की टीम ने भी किया था। कि कुछ तंत्र मंत्र के इस डरावने खेल ने दो लोगों की जिंदगी निकल ली, पूरे गांव में दहशत फैला दी। अब लोग घर से बाहर निकलने में भी खौफ खा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसके कहने पर इस परिवार ने तंत्र साधना शुरू की? जिस बाबा की तस्वीर के साथ ये साधना कर रहे थे, क्या ये पूरा कांड उनके कहने पर हुआ? और परिवार के इस साधना के पीछे की असली वजह क्या थी? सख्ती से अविनाश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।